जय गुरुदेव। मैं मनोज कुमार प्रसाद आप सभी को आपके अपने चैनल ताल तरंग मनोज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। आशा करते हैं आगे भी आप लोग इसी तरह से इस चैनल को प्यार देते रहिएगा। तो आज आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं, मटका ठेका के बारे में हम लोग आपस में शेयर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ठेका के बारे में हम लोग आपस में शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मटका ठेका का कुछ पिकअप भी इस चैनल पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मटका ठेका के बारे में पहले जानते हैं। मटका ठेका आठ मात्रा का है, कहरवा का ही स्वरूप बोल सकते हैं, कहरवा का ही तरह खाली ताली और खाली सभी है। तो मटका ठेका आठ मात्रा का है, कहरवा का ही एक स्वरूप है। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग तीन चार वेरिएशन करेंगे मटका ठेका का, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस मटका ठेका का पिकअप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। हाँ, लेसन शुरू करने से पहले जो लोग मेरे साथ वीडियो कॉल के द्वारा ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, बाएं तरफ एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास से कैसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप लोगों को डिटेल्स पता चल जाएगा, तो ऑनलाइन क्लास से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेसन के तरफ बढ़ते हैं। लेसन क्या है? मटका ठेका। मटका ठेका का जो बेसिक ठेका है, जो मेन ठेका है, वो ठेका क्या है? देखिएगा बहुत सा फिल्मी सॉन्ग है, जैसे सुबह नाला भी फला सॉन्ग में भी ये ठेका बजाया, बहुत सा भजन में भी बजाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ठेका है, इसको आप लोग यदि बजाइएगा तो बहुत मैंने बहुत सा भजन में भी बजा पाइएगा, चाहे तो आप बॉलीवुड सॉन्ग में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो पहला जो बेसिक ठेका है, हम सारा बोल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, स्क्रीन पर भी तो आती ही रहता है, आप लोग वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला जो मेन ठेका है क्या है? धी धा ती ता ती धा धी ता धी धा धी ता ती धा धी धा धी ता ती धा धी धी धा धी ता ती धा धी ता। चाटी चलेगा, वन वन टू 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 ये है वन टू वन टू वन टू ये है चाटी वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू इसका प्रैक्टिस कर लीजिए वन टू वन टू वन टू वन टू धीरे से देखिए वन टू वन टू मैंने वन के बाद थोड़ा सा गैप है टू वन फिर हम लोग छल्ला ले रहे हैं शुरू हो रहा छल्ला से वन टू वन टू वन टू वन टू। अच्छा जो लोगों को छल्ला नहीं बजाना आता वो तीन उंगली से बजा सकते हैं इससे बजा सकते हैं, जहां पे छल्ला है वहां तीन उंगली लेना है, लेकिन मटका ठेका छल्ला से ही अच्छा लगता है। तो देखिए कैसे बज रहा, वन टू 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 चाटी साइड चलेगा छल्ला से शुरू होगा। तो पहला बोल क्या है? धी धी छोटा सा पॉज है धी के बाद धी धी धा धी धा धी और धा से बंद करना है, धी नॉर्मल वाला धी धा धा से बंद होगा धा बंद बाया दिखाते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धी धातित धी धातित ता धी धातित ता क्या हो रहा है धी धाती ता धी के बाद थोड़ा सा पॉज है फिर धाती एक साथ लेना है धी धाती ता ती धा धी ता। सेकेंड वाला जो फेज है वो तो कारवा का ही फेज है, लेकिन पहला वाला में छोटा सा पॉज है मैंने थोड़ा सा चलन अलग है। तो कैसे हो रहा देखिए, धी धी नॉर्मल नॉर्मल जैसे धी है धी धा धा से बंद करेंगे इंडेक्स फिंगर के साथ, ठीक है। तो धी धाती तीत में छल्ला रहा धी धाती ता ता में क लगेगा, ये ता में क इस तरह भी लगा सकते हैं, चुटकी वाला भी लगा सकते हैं, बायां दिखा रहे हैं दोनों साइड बायां भी दिखाएंगे
तो दोनों तरह का क आपको समझाएंगे, ठीक है। पहले चाटी देख लीजिए, धी धाती ता, फिर ती छल्ला धा धी ता, धी धाती ता ती धा धी ता, धी धाती ता ती। एक जगह घिस्सा है, घिस्सा बोल सकते हैं, बंद बोल सकते हैं, क्या है कौन जगह पे है, धी धा, सेकंड वाला जो बोल है पॉज के बाद, धी धाती ता ती धा धी, धी धाती ता ती धा धीता, धी धाती ता ती धा धीता, इस तरह बोलना है आपको, तब जाके आएगा कैसे, धी धाती ता ती धा धीता। अब इसी को यदि नॉर धी धाती ता ती धा धीता कारवा बन गया, धी धाती ता ती धा धीता, लेकिन उसी को थोड़ा सा मरोड़ दिए, लचक कर दिए तो मटका ठेका का रूप आ गया, कैसे, धी धाती ता ती धा धीता, धी धाती ता ती धा धीता। तो कैसे बज रहा, स्लो करके एक बार देख लीजिए, धी धाती ता ती धा धीता, धी धाती ता ती धा धीता, धी धाती ता ती धा, धी धाती ता ती धा धीता, धी धाती ता ती धा धीता, धी धाती धा धीता। चाटी में ही चल रहा, वन टू वन टू वन टू वन टू देखने से पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहां हम चाटी देखा है, धी नॉर्मल, धी धा धा धी धा या धी धा, धी के बाद धी धा धी धा धी धा, धा में स्ट्रोक होगा, धी धाती ता, धी धाती ता, ती में छल्ला आ रहा है, धी धाती ता ती धा, धा फर्स्ट फिंगर, ठीक है, यहां पे ती धा, क्यों फर्स्ट फिंगर, क्योंकि धा के बाद धीत आएगा फिर, इसलिए इसको रेडी रखना है दो उंगली को। तो क्या हो रहा है, धी धाती ता ती धा धीता, और स्लो देखिए एक बार, धी धा ती ता, पहला फेज और एक बार देखिए, धी नॉर्मल, धा बंद, फिर ती छल्ला, फिर ता में को, उसके बाद सेकंड फेज, ती छल्ला धा फर्स्ट फिंगर से, फिर धीत नॉर्मल, फिर ता, इसमें एक ही जगह पे बंद आ रहा है, वो है धी धा, सेकंड वाला बोल धी धा, ये बंद आ रहा, बाकी सब नॉर्मल, लेकिन बाया में वजन के साथ बजाना पड़ेगा, धी धा धी ता धी धी ता धी धा धी ता। आप लोगों को बाया थोड़ा कम सुनाई दे सकता है, आप लोग हेडफोन यूज क्या कीजिए तो आप लोगों को प्रॉपर साउंड सुनाई देगा, डायरेक्ट मोबाइल से देखिएगा तो आप लोगों को बायां का आवाज थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं हेडफोन यूज क्या कीजिए तो आपको लेसन और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जो बेसिक ठेका है मटका ठेका का, वो बायां एक बार फिर से देखिए, धी धा ती ता ती धा धी ता, फिर से एक बार देखिए, धी धा ती ता ती धा धी ता। अब करना क्या है, ये जो ता है ना, उस ता को आप चुटकी वाला भी ले सकते हैं, धी धा ती ता, चुटकी वाला ता, बहुत वीडियो में बोले हैं चुटकी वाला ता कैसे बजता है, इस तरह रख के चुटकी बजाया जाता है, धी धा ती ता, धी धा ती ता ती धा धी ता, धी चल रहा, जब जोड़ेंगे कुछ नहीं है, धी धाती ता ती धा धी ता था, वहां पे ता ता कर देंगे दो बार, कैसे, धी धाती ता ती
पहला क्या था धी धी पाती दा धी पा धी धी पाती दा धी पा धी पाती दा धी पा ये था पहला। दूसरा क्या किए धी धी पाती दा धी पा धी धी दा धी पा धी धी पाती दा धी पा। स्लो समझ लीजिए, थोड़ा सा धीरे समझ लीजिए, तो बाया वही रहेगा, बाया में कोई चेंज नहीं है, जो मेन ठेका है उसी का दूसरा ठेका में भी जो वेरिएशन है बाया वही चलेगा, सिर्फ आपको ताता में दो ता लगाना है। धी धी पाती दा धी पाता, पहला एक ताता उसमें दो लगाना है। धी धी पाती दा धी पाता धी पाती दा धी पाता। अच्छा, ताता को ताता अलग नहीं करना है तो नौ मात्रा हो जाएगा, आठ मात्रा में रखना है, ताता को एक ही मात्रा में करना है। धी धी पाती दा धी पाता धी पाती दा धी पाता धी। स्लो देखिए और धी धी पाती दा धी ये हो गया एक वेरिएशन। इसके बाद इसी ठेका को थपकी में कैसे बजाएंगे, क्योंकि थपकी में भी आएगा, थपकी में कैसे आएगा, थपकी में आएगा पहला तो जो छल्ला चल रहा है धी, एक थपकी पूरा ठेका में एक थपकी लगेगा, थर्ड वेरिएशन सॉरी सेकेंड वेरिएशन, मैंने मेन ठेका में तीन ठेक तीन तीन वेरिएशन दिखा रहा है। देखिए धी धी पाती दा धी पा धी धी पाती दा धी धी पाती दा धी पा धी धी पाती दा धी पा धी पाती दा धी पा। कहाँ लगा रहा है धी धी पा, पहला वाला फेस जो था वही रहेगा, ती धा धी ता जो शुरू हो रहा है ती में छपकी लगा रहा है, ती में थपकी लगा रहा है, धी धी पाती दा धी पा ती में थपकी लगा रहा है, धी धी पाती दा धी पा। मेन ठेका में क्या था धी धी पाती दा धी पा, ती छल्ला था, वो ती को हम लोग थपकी में यूज कर रहे हैं, धी धी पाती दा धी पा धी पाती दा धी पा धी धी पाती दा धी पा। थपकी कैसे लगाएंगे, बहुत जन कमेंट्स कर रहे थपकी लगाना नहीं हो रहा, थपकी लगाने का आसान फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, आपको हाथ को कर्व कर लेना है, तीन उंगली ये जो इस पोर्शन से सब थपकी बजता है, इस पोर्शन यहां तक थपकी बजता है, आप चारों उंगली लगा के भी थपकी बजा सकते हैं या तीन तीन उंगली एक उंगली खुला रख के भी थपकी बजा सकते हैं, जगह के अनुसार बजता है, जब स्पीड बजता है तो तीन उंगली लगता है क्योंकि ता आने वाला है या ना आने वाला है या दा आने वाला है, इसलिए पहला उंगली को हम लोग फ्री रखते हैं, लेकिन आप चारों उंगली लगा के भी बजा सकते हैं थपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थपकी बजाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे पूरा सटा के नहीं बजाना है, आपको ऐसे कर्व रखना है, यहाँ पे गैप रखना है, गैप इसका जो गूंज है ना, इसका आंस जो है वो निकलेगा तो चक करके आवाज होगा, चक चक तक नहीं होगा, तक तक थक ही नहीं होता है, चक लेकिन हम लोग तक बोलते हैं, लेकिन आवाज होगा चक, ठीक है। तो इसलिए थपकी कैसे बजेगा, तो धी धा धित्ता सॉरी धी धा तित्ता ती धा धित्ता, तो धी धा तित्ता एक फेज है, ये जो नॉर्मल था वही बजेगा, ती धा धित्ता ती में थपकी आएगा, खाली वाला मात्रा में थपकी आएगा। अब इसी को दोनों जगह पे हम लोग थपकी ले सकते हैं, सम पे भी ले सकते हैं, खाली वाला मात्रा में ले सकते हैं, मैंने शुरुआत का एक एक नंबर मात्रा में ले सकते हैं और पांच नंबर मात्रा में ले सकते हैं, कैसे धी धी पाती दा धी पा धी 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 पाती दा धी पा धी धी पाती दा धी पा धी धी पाती दा धी पा। तो ये चार वेरिएशन है पूरा, मैंने आज का वीडियो में चार वेरिएशन है, आप लोग चारों वेरिएशन यदि कर लीजिएगा तो देखिएगा मटका टेका का बहुत सारा गाना आप लोग बजा पाइएगा। जैसे देखिए हम फिर से एक बार पिकअप लेके बजाते हैं, नॉर्मल जो बेसिक है ये है धी पाती दा धी ता धी पाती दा, अब थपकी वाला आशा करते हैं आप लोग ये लेसन समझ गए होंगे।
चार वेरिएशन है, चार वेरिएशन को धीरे धीरे वाच कीजिए। पहले तो बेसिक जो है, पहला जो ठेका है उसको अच्छी तरह से बजा लीजिए। उसको जब अच्छी तरह से बजा लीजिएगा तो वेरिएशन जो है वो आराम से आप लोग बजा पाइएगा, ठीक है। धीरे धीरे एक 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 लेसन को वाच कीजिए, बार बार देखिए और मेट्रोनम के संग बजाइए। पहले तो बोलिए, फिर उसके बाद बजाइए, उसके बाद सेकंड वेरिएशन बजाइए, उसके बाद थर्ड वेरिएशन बजाइए, फोर्थ वेरिएशन बजाइए। इस तरह चारों ठेका को अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो देखिएगा मटका ठेका, जो कि इस ठेके के ऊपर बहुत सारा बॉलीवुड भजन का गाना है, तो आप लोगों के हाथों में बहुत अच्छा वजन भी आ जाएगा और ये ठेका मंच पे आप लोग बजा भी पाइएगा। यदि इसके बाद भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कॉमेंट्स कीजिए, अच्छा लगा होगा तो तब पर भी कॉमेंट्स कीजिए, इससे कुछ मोटिवेशन मिलता है कुछ करने के लिए। और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको इस वीडियो का लाभ हो। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव।